एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीयू के निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एबीवीपी के जिला संयोजक अभिषेक ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कि वर्ष 2009 से लगातार चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को चलते हुए लगभग 10 वर्ष का समय निकल चुका है, लेकिन वर्तमान सरकार पर पिछली सरकार द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब एबीवीपी अपने आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को विद्यार्थियों की समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान सरकार सीयू के स्थायी परिसर का निर्माण नहीं करती है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि हमारा अभी प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, जो आप सभी के समक्ष है, किस तरह से ये आंदोलन हमारा 2009 से चलता आया है और आज मुझे लगता है कि 10 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का बनने का नाम कहीं नहीं, जो वर्तमान की सरकार है चाहे वो पिछली सरकार है उन्होंने नहीं लिया है। पर जो हमारा आंदोलन है वो आप सभी के समक्ष है कि हम अपने आंदोलन को बिल्कुल तेज़ करने वाले हैं। पिछले भी जब हमने मार्च में 4 मार्च 2020 को रैली की थी, उससे प्रदेश सरकार को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए वो कुछ कार्य करने के लिए अड़ी है या नहीं है। परंतु विद्यार्थी परिषद का मत साफ है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अपना आंदोलन हम अपना तेज़ कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, चाहे अपने जिला की बात करें, उससे वर्तमान की सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए कि जल्द से जल्द जो विद्यार्थियों की समस्या है उन्हें हल करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम देखिए बात करें तो कैंपसेज का हाल ऐसा है कि जहाँ पर नाम मात्र की बैठने की सुविधा है वहाँ पर आप एक यूनिवर्सिटी का उसको नाम दे रहे हैं किस तरह से, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरासर छात्रों के साथ, वो यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल जो सरकार है बिल्कुल एक गलत कार्य कर रही है। तो विद्यार्थी परिषद अपना आंदोलन बिल्कुल कड़े रुख से प्रदेश सरकार के सामने रखने वाली है। वो जिस तरह से लोकतांत्रिक लड़ाई लड़के पिछली 2017 को, 30 मार्च 2017 को लोकतांत्रिक लड़ाई लड़के हमने पिछली सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, वर्तमान की सरकार को भी इसका खामियाजा जल्द भुगतना पड़ेगा अगर वो स्थायी परिसर का निर्माण करने में अगर सर नहीं रहती है।